हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेरी कोकी लाइफ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सब अच्छे होंगे और आज का दिन की शुरुआत थोड़ा सा डाउन के साथ, थोड़ा सुस्ती के साथ हो रहा है क्योंकि थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। मुझे हल्का सा वायरल फीवर हुआ है, शायद मेरे हस्बैंड को पहले हुआ था, फिर उसके बाद मुझे हुआ। तो देखते चलता है, ऐसे ही कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है। बट काम तो करना है, खाना तो बनाना है, तो सिंपल सा खाना बना रही हूँ आज। दाल चावल भिंडी का भुजिया, और जो कि अभी चल रहा है, बन ही रहा है। और आज थर्सडे है और अभी बज रहे हैं 10:15 हो रहे हैं। तो देखिए आज का दिन कैसा जाता है, वो अच्छा ही जाए। कि कल मेरे बेटे का बर्थडे है तो बहुत सारे प्रिपरेशंस करना है, केक बनाना है, डेकोरेशन करना है, सारा कुछ अरेंज करना है। कल बहुत सारे बच्चे आएंगे तो कैसे क्या करते हैं देखते हैं, बट करना तो है। चाहे जो भी हो, मेरे बेटा का कल बर्थडे है तो वो 4 साल का हो जाएगा। चलिए देखते कैसे होता है, क्या क्या करते हैं, क्या क्या कर पाते हैं, मिलते हैं। लाभ हो गया है, मेरा संडे को हुआ था, इसका कल स्टार्ट हुआ है। अभी थोड़ा सिचुएशन मेरा रिकवरिंग हो गया है, बट इसका अभी भी हालत थोड़ा डाउन है, थोड़ा फीवर चल रहा है उल्टा का भी। बट उसमें भी क्या करें, काम तो करना पड़ेगा, तो खाना बनाना जारी है, लगे रहो। हाय गाइस, तो मैं फ्रेश हो गई हूँ, सब तो फ्रेश नहा लिया है, फ्रेश हो गई हूँ। तो मैंने सोचा पूजा भी हो गया, तो मैंने सोचा आपको दिखाऊँ कि मैंने बर्थडे के लिए क्या क्या प्रिपरेशन किया है, मैंने क्या क्या मंगवाया है। क्योंकि कल बर्थडे है मेरे बेटे का, तो उसका थीम है स्पाइडर मैन। तो मैंने बहुत सारा ऐसा स्पाइडर मैन पार्टी कॉम्बो से कुछ मंगवाया है, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ है। बलून्स है, फिर ये ऑल सुपर हीरो का थीम का बैनर है हैप्पी बर्थडे का, फिर ये ऐसे कुछ स्पाइरल है जो वॉल से लटकेगा, जब लगाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये कुछ टॉपर्स है जो केक के लिए है, ये सब स्पाइडर मैन मतलब ऑल सुपर हीरोज बेसिकली उसका सारा कुछ है। और एक और चीज़ जो मैंने सोचा आपको दिखाऊं, बर्थडे के लिए जो रिटर्न गिफ्ट होता है, तो बहुत एक्साइटमेंट रहता है कि क्या मिलेगा, क्या मिला रिटर्न गिफ्ट में। तो मैंने लड़कों के लिए ऐसा टॉय लिया है, जिसमें मैंने साथ में केक और पेंसिल रबर कटर ऐसे डाल दिया है। तो ये बैग प्रिपेयर किया है, ये लड़कों का हो गया। फिर ये लड़कियों का, जो भी लड़की आएगी द गर्ल्स जो भी आएंगी उसके लिए ऐसा कुछ सेट लिया है, क्लिप सेट है, और सेम वही रबर कटर और केक, ये केक डाला है। तो मैं सोचा आपको ये बता दूँ, थोड़ा आइडिया होगा कि कैसे क्या रिटर्न गिफ्ट में क्या दे सकते हैं, तो इसीलिए बताइएगा कैसा लगा। शाम हो चुकी है और चाय का एज़ यूजुअल हम चाय पीते हैं, तो शाम के चाय का मज़ा लिया जा रहा है यहाँ पे। और मैं आज अपने छोटे से गार्डन में अपने चाय का मज़ा ले रही हूँ, अच्छा लगता है। आज 13th है और चौरा का बर्थडे है, ये बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये ये ये। तो यहाँ पे मैं शौर्य के लिए उसका फेवरेट चॉकलेट केक बना रही हूँ। तो चॉकलेट केक के लिए सबसे पहले मैंने ये प्रीमिक्स लिया था जो कि एगलेस है उसका। चूँकि 1 kg मैंने बनाया था तो मैंने 2 बार में बनाया, ½ kg का बैच में बनाया मैंने 2 बार, तो ऑलमोस्ट मैंने 190 ग्राम्स लिया। उसमें थोड़ा सा 2 चम्मच तेल डाला और थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर लिया, और उसको 180 डिग्री पे, पहले तो ओवन को 180 डिग्री पे प्री हीट कर लेंगे
20 मिनट्स के लिए, फिर जब बैटर रेडी हो जाए तो उसके बाद ओवन में उसको 35 या 40 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पे बेक करेंगे। उसके बाद यही मैंने दो बार बनाया था, तो यही सेम प्रोसेस मैंने दो बार किया, और फिर आगे का जो भी आइसिंग है वो मैंने प्रिपेयर किया कि वो भी आप देख सकते हैं कैसे मैंने बनाया, तो आगे देखते रहिए। तो यहाँ पे मैंने, चूँकि चॉकलेट केक बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच कोको पाउडर भी डाला था, जो कि मैं यहाँ बताना भूल गई। हाँ, तो अब हम आइसिंग प्रिपेयर करेंगे, तो उसके पहले सबसे पहले मैंने व्हिपिंग क्रीम ले लिया, क्योंकि व्हिपिंग क्रीम को हमेशा फ्रीज़र में रखा जाता है, तो फ्रीज़र जब भी केक बनाना है तो उसको फ्रीज़र से निकाल के करीब 1-2 घंटा 4 घंटा पहले से ही निकाल के उसका आइस मेल्ट कर लेना है, ताकि आइस ना व्हिप हो, आइस अगर व्हिप होगा तो फिर वो। तो जैसे मैंने बोल रही थी कि आइस क्रिस्टल्स व्हिपिंग क्रीम में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो स्टिफ पीक्स हमें चाहिए व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करने के लिए, ताकि वो अच्छा से सेट हो जब हम आइसिंग करें केक का, जब भी हम उस क्रीम को जब केक पे लगाएं तो वो अच्छा से वो सेट हो, इसीलिए उसमें आइस क्रिस्टल्स नहीं होना चाहिए, तो ये तभी अच्छा से क्रीम व्हिप होगा। तो यहाँ पे मैं एक सिरप बनाया है मैंने, जो कि एक ब्लैक करंट क्रश को पानी में मिक्स करके मैंने एक सिरप बनाया है, जिससे मैं ये चॉकलेट के स्पंज को सोक कर रही हूँ, ताकि चॉकलेट जो स्पंज है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। स्पेशली अगर चॉकलेट केक बना रहे हैं ना, तो चॉकलेट केक का जो स्पंज होता है उसको अच्छे से प्रॉपरली सोक किया जाता है, ताकि जब हम केक कट करें तो वो सूखा सूखा ना निकल के आए, तो इसलिए सोक करना कोई भी स्पंज को बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट लेयरिंग कर लिया है, और उसके बाद थोड़ा देर के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। अब मैं यहाँ पे सेकंड लेयरिंग कर रही हूँ, जिस कलर का मुझे केक चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लाइट ब्लू कलर यूज़ किया है, उसको मैंने क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया, ताकि वो इवनली स्प्रेड हो और कहीं भी क्रम ना दिखे। तो इसी तरह से यहाँ पे मैं पूरे केक के ऊपर एक लेयर बना रही हूँ, जो कि उसको आप सेकेंड लेयर कह सकते हैं, ताकि जो भी क्रम्स है वो केक का वो ना दिखे और फिनिश लुक्ड आए। केक का तो प्रिपरेशन हो चुका, मैं यहाँ पे डेकोरेशन की प्रिपरेशन में लग गई हूँ। यहाँ पे मैं बलून्स फुला रही हूँ, और चूँकि बलून्स मुझे फुलाना बहुत ही लेंदी काम लगता है, तो मैंने ये एक पंप परचेस किया था, स्पेशली बलून्स के लिए है ये पंप, तो आराम से फटाफट बलून्स हो जाता है। उसके बाद ये बलून्स फुला लिया फिर मैंने, और उसके बाद मैंने सारा जो स्पाइडरमैन जो भी सुपर हीरो के कैरेक्टर्स थे उसको मैंने हैंग किया, वो भी आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने क्या क्या किया। तो ये देखिए सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे
टंग गए हैं एक्चुअली, तो सीलिंग से हमने इसको डबल साइड टेप से चिपका के हैंग किया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा परेशान हूँ क्योंकि मैं ये हैप्पी बर्थडे वाला बैनर प्रिपेयर कर रही हूँ जिसको पूरे एक स्ट्रिंग में उसको अटैच करना है, और फिर सारा जो सीक्वेंस है वो मैंने अमेज़न से परचेज़ किया था इसको, तो मैं वो अमेज़न के फ़ोटो में जाके देख रही हूँ कि कैसे क्या क्या लगाया था, किस सीक्वेंस में लगा हुआ था, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स भी हैं जो बीच में आएंगे उस बैनर के, तो मैं वही सब यहाँ पे कर रही हूँ। तो हम फाइनली सारा लाइट्स लगा दिया, सारा कुछ बैनर वगैरह सारा कैरेक्टर सब कुछ टंग गया था, बट अभी जो कि उतना पता नहीं चल रहा क्योंकि दिन का टाइम है, बट रात में ये बहुत सुंदर लग रहा था जब पूरा सेटअप को रात के देखा गया। तो जैसे कि आप अभी देख सकते हैं ये रात का सीन है, ये रात का क्लिप है जब बर्थडे मन रहा था, तो ये छोटा छोटा क्लिप्स मैंने जो लिया था मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, आप भी देखिए एंजॉय करिए और आपका अपना आशीर्वाद दीजिए मेरे बेटे को कि खूब सारा तरक्की करे, खूब अच्छा से बड़ा हो, खूब मस्ती करे। तो अगर आपको ये मेरा प्यारा सा बर्थडे वाला व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ कमेंट करना ना भूलें, आपका कमेंट बहुत मायने रखता है, तो कुछ भी आपको जो अच्छा लगे वो आप कमेंट करें। थैंक यू, बाय।